Good morning, dear students. Here we are going to study Standard 1 English. That is, the book name is Marigold. And now I am here to teach you myself, Snehlata. Okay. Here we will study Unit 1, Lesson 1. The lesson is A Happy Child. Okay. This is the poem. So you have to enjoy this poem. The poem is, My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. So, this is the poem. This is your first lesson. This is your first unit. Okay. The lesson is, the poem is A Happy Child. Here, in this poem, we will study the emotions of a child who is very happy, and who expresses his words. मतलब कि वो अपने अच्छे बच्चे होने का, अपने खुश मिजाज बच्चे होने के बारे में बताता है कि मैं एक हैप्पी चाइल्ड हूँ. माय हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, मेरा घर छोटा है और मेरा घर लाल कलर का है. ठीक है, एज यू सी हियर इज अ हाउस हुज कलर इज रेड, जिसका कलर रेड है. ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, मैं एक बहुत ही खुश बच्चा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ. आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं हंसता हूँ और खेलता हूँ पूरे दिन. होल डे लॉन्ग मतलब कि पूरे दिन हंसते रहता हूँ और खेलते रहता हूँ. आई हार्डली एवर क्राई, मैं मुश्किल से ही कभी रोता हूँ. ठीक है, एंड नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इन द नेक्स्ट स्टेंजा द लाइन्स आर, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री. हियर यू सी अ ग्रीन ट्री हियर. ओके, जहाँ की ये बच्चा जो है झूला लगाकर झूल रही है. ठीक है, ये एक बच्ची है जो झूला लगाकर झूल रही है. हम सबको एक हैप्पी चाइल्ड बनना चाहिए, मतलब कि हर बच्चे को खुश रहना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं कि आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है, ए ग्रीन ट्री जो कि हरा हरा है. टू सेव मी फ्रॉम द सन, मुझे सूरज की धूप से बचाता है वो पेड़ मुझे छाया देता है. एंड अंडर इट आई ऑफन सीट, मैं हमेशा मतलब कि प्रायः जो है वहाँ पे बैठती हूँ धूप से बचने के लिए और उस पेड़ की छाया पाने के लिए. ठीक है, व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, और मेरी सारे खेल कूद जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करती हूँ. ठीक है, ये बच्चा यहाँ पे इस पोयम में ये इन सारी बातों को बता रहा है. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज न्यू वर्ड्स, सो यू हैव टू लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. द फर्स्ट न्यू वर्ड इज क्राई. हियर द फर्स्ट न्यू वर्ड इज क्राई, दैट मीन्स रोना. सेकेंड इज डे का मतलब होता है दिन. थर्ड इज रेड का मतलब लाल, दैट इज अ कलर. ओके, एंड द लास्ट वन इज सन का मतलब होता है सूरज. Now the next topic is, let's read. You have to read out these two sentences. The first sentence is, the sun shines in the sky. Suraj jo hai, aakash mein chamakta hai. Theek hai? And the second one is, I have a red pen. Mere paas ek red pen hai. And dear students, at last, मैं आप लोग को इस poem को एक बार और पढ़कर सुना देती हूँ. इस तरह से आप इस poem को अपने घर में पढ़ेंगे, जिस तरह से मैं इसे read out कर रही हूँ, जिस तरह से मैं इसे पढ़ रही हूँ. ठीक है, so enjoy this poem. My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. ठीक है, and now in homework you have to write this poem in your copy, in your 4-line English copy. Thank you, my dear students.